टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में बस स्टैंड को लेकर शमीम खान ने आज ही के दिन वादा किया था, यानी सैटरडे के दिन ही वादा किया था। और आज रेती बंदर के पास गृह निर्माण मंत्री व कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आवाड के हाथों दोपहर 1 बजे के करीब उद्घाटन किया गया, जहां पर पहली बस स्टैंड लगाया गया। बहरहाल बस स्टैंड लगाया गया है, यानी कल तक पूरे 38 बस स्टैंड लगाए जाएंगे। ये पहला बस स्टैंड लगाया गया है, लेकिन बस स्टॉप लगाने से आम जनता को दो तरह की राहत मिलती है, बारिश और धूप। लेकिन बारिश और धूप से राहत नहीं मिलेगी। जो मुमरा कौसा में बस नहीं रुकती थी, पैसेंजर को ये नहीं मालूम पड़ता था हम कहाँ रुकें, अब उनको इस स्टैंड के पास रुकना पड़ेगा और यहाँ से उन्हें बस मिलेगी। हम जानते हैं गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। कि मैंने शमीम भाई को, मैंने नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने परिवहन समिति में डाला और उन्होंने काम शुरू कर दिया। 38 बस स्टॉप लगने वाले पूरे मुमरा में, और उनकी ये कोशिश है और मैं कोशिश को सलाम करता हूँ कि मुमरा में 2 बड़े बस डेपो निर्माण करने की उसने घोषणा की है और उसकी मीटिंग भी लगाई गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से जनता की सेवा करना ये हमारा फ़र्ज है, और मुझे लगता है मेरा बंदा शमीम खान बहुत अच्छी तरीके से उसमें कामयाब हो रहा है। परिवहन सदस्य शमीम खान का ये पहला काम है। ऐसे तो शहर में बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे पर शमीम खान बोलते आए हैं, उस पर भी इतनी ही तेजी दिखाएं तो काफ़ी अच्छा होगा, शहर के लिए एक बड़ा काम होगा। लेकिन उनका भी जानते हैं इस मामले में उन्होंने क्या कहा है, और नगर सेवक शानू पठान ने क्या कहा है, और वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, आप सुनिएगा हमारी इस खबर में। शमीम भाई, क्या कहेंगे आप, जो है आज आपका जो है बस स्टैंड तो लग रहा है, लेकिन ज़रूरत यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो थी वो बस स्टॉप की थी, क्या कहेंगे आप? फिरोज हाशमी जी, आज जो यहाँ पे बस स्टैंड लग रहा है उसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि रोड वाइंडिंग के अंदर बस स्टॉप सब निकल गए थे और उसके बाद से लेकर के आज तक वो लग नहीं पाए थे। जाने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए हमने हमारे व्यवस्थापक जी से बात करके 38 बस स्टैंड को यहाँ पे लाए, और ला करके आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के हाथों से और सैयद अशरफ भाई साहब के मार्गदर्शन में आनंद प्राचे साहब, हमारी ताई परमिला खेने जी और नजीब मुल्ला साहब गट नेता, और तमाम नगर सेवक नगर सेविकाएं, मेरा भाई शानू पठान और हमारे तमाम संगठन के लोग, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और मंत्री जी के हाथों से ये बस स्टैंड लगाया जाएगा। आपने सवाल किया कि बस स्टैंड है, बस स्टॉप नहीं। हाँ। तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ फिरोज हाशमी जी, कभी तो सराहिए कि नहीं, काम हुआ और काम होता है। हमारे बीच हमारी ताई भी यहाँ मौजूद हैं, हमारी अपोजिशन लीडर, उनके हाथों से अभी इसका शुभारम्भ किया जाएगा मंत्री जी के हाथों से। बात जो बस स्टैंड बस स्टॉप की है, तो जिस तरीके से आज रोड वाइंडिंग के अंदर कुछ काम अभी चल रहा है, जैसे कि 7 महीने से लॉकडाउन की पोजीशन थी, तो जब ये रोड के काम, रोड वाइंडिंग के काम, गटर नाले के काम हो जाएंगे, तो हमारे शहर को इंशाअल्लाह ताला हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के नेतृत्व में हम लोग आज 38 बस स्टैंड दे रहे हैं, तो 38 बस स्टॉप भी देंगे। शमीम भाई 2016 में ये रोड वाइंडिंग हुआ था, 4 साल होने को है, आप कह रहे हैं जो है कि रोड का काम होगा, यानी कब काम होगा और कब लगेगा? रेती बंदर से लेकर के भारत गैर सिलफाटा का डिस्टेंस कितना आप समझ सकते हैं? 4 साल नहीं, लेकिन 3 साल तो जरूर हुआ, और 3 साल के बीच में आज 80% काम कंप्लीट हो चुका है। आप दिखा सकते हैं आपके कैमरे के माध्यम से रोड को, कुछ काम अधूरा है। हम नहीं चाहते हैं कि ला करके उसको लगाएं फिर वहाँ तोड़फोड़ हो, जिस तरीके से ये काम खत्म हो जाएगा, हम हमारी अपोजिशन लीडर से बात करके इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से थाने और बहुत सारे जगहों पे बस स्टॉप लगा हुआ है वो भी देने का पूरा काम किया जाएगा। लेकिन ये ट्रैफिक की समस्या, आज रोड के हर तरफ गाड़ियां पार्क हो जाती हैं, लेकिन मैंने कई बार मिस्टर लंबाते जी से इसकी बात की ट्रैफिक इंचार्ज से, लेकिन सुधार नहीं हो सका। अगला आंदोलन या अगला स्टिंग ऑपरेशन अगर होगा
तो मुझे लगता है ट्रैफिक का ही करना पड़ेगा। स्टैंड लग रहा है लेकिन जरूरत तो फिलहाल जो है यहाँ पर बस स्टॉप की थी, जो लोग धूप से भी बचे बारिश से भी बचे। देखिए ऐसा है कि हम लोग बस स्टॉप की मांगनी एक साल से कर रहे हैं, लेकिन माननीय हमारे शमीम भाई परिवहन के सदस्य बनने के बाद बस स्टैंड लग रहा है क्योंकि लोगों को दिशा दर्श मालूम ही नहीं कौन सी बस कहाँ रुकने वाली। ये रोड वाइंडिंग के तहत लोगों को मालूम के नहीं, ये पहला कदम है, बहुत अच्छा कदम है। बस स्टॉप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, जब रोड वाइंडिंग के पूरे रोड UTWD बन जाएंगे मुख्य रोड, आने वाले वक्त में बहुत अच्छे और खूबसूरत बस स्टॉप भी लग जाएंगे। शमीम खान साहब, इन्होंने परिवहन सदस्य बनने के बाद जो परिवहन की जो सुविधाएं मुमरा कलवा में जो उपलब्ध होनी चाहिए उसकी ओर चलते हुए अभी ये उन्होंने शायद कुछ बस स्टैंड के नियोजन किए हैं और आज उसका उद्घाटन माननीय जितेंद्र आवड़ साहब इनके मार्गदर्शन पे और उनके शुभ हस्ते होने जा रहा है। तो पहले तो मैं हमारे शमीम खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक परिवहन सदस्य होने के नाते अपना जो एक योगदान मुमरा कौसा के लोगों के लिए देना चाहिए वो दे रहे हैं और इस उद्घाटन के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी परिवहन के माध्यम से जो भी सुविधाएं है वो शमीम भाई के माध्यम से यहाँ पर मुमरा में लोगों को मिलेगी और उसका लोग आनंद लेंगे।